अप्रैल 2014 की निरंकारी जगत की खबरों का रूहानी गुलदस्ता सभी दर्शकों की खिदमत में पेश है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। नमस्कार, धन निरंकार। लेट्स बिगिन द जर्नी ऑफ न्यूज डिवाइन दिस मंथ। फर्स्ट द हेडलाइंस। सल्वेशन टूर्स ऑफ हिज होलीनेस, समागम्स, मिशन ओवरसीज, SNCF डायरी एंड अदर न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। अप्रैल महीने में भी सदगुरु बाबा जी की परोपकार यात्रा देश के विभिन्न स्थानों तक पहुंची। आइए डालते हैं एक नजर इस रिपोर्ट पर। मानव कल्याण का जो सिलसिला मार्च में प्रारंभ होकर महाराष्ट्र से गुजरात पहुंचा, उसी कारवां का अगला पड़ाव रहा जूनागढ़, जहां 1 अप्रैल को गुरुदेव ने स्वामी विवेकानंद स्कूल ग्राउंड में आयोजित एक विशाल सत्संग में भक्तों को अपने पावन दर्शनों से कृतार्थ किया। 2 अप्रैल को गुरुदेव ने भगवान कृष्ण की नगरी द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में जूनागढ़ जिले के मांगरोल, माधवपुर एवं पोरबंदर के संगरिया में अनेक श्रद्धालुओं को बाबा जी के दर्शनों का लाभ प्राप्त हुआ। इसी शाम सदगुरु बाबा जी व पूज्य माता जी ने पोरबंदर स्थित महात्मा गांधी के जन्म स्थान कीर्ति मंदिर का भ्रमण किया व भारत के राष्ट्रपिता बापू के दुर्लभ ऐतिहासिक चित्रों का भी अवलोकन किया। 3 अप्रैल को गुजरात के ही शहर द्वारिका में नूरानी जोड़ी का भव्य स्वागत हुआ। 5200 वर्ष पूर्व बसाई गई इस पौराणिक नगरी के मंदिरों के पुजारियों द्वारा भी गुरुदेव का अभिनंदन किया गया। द्वारिका में बाबा जी का आगमन पहली बार ही हुआ। द्वारिका से जामनगर जाते हुए सदगुरु बाबा जी ने ओकापोट व मीठापुर के भक्तों को दर्शन देकर कृतार्थ किया। तत्पश्चात जाम खंबालिया के भक्तों को निहाल करते हुए दिव्य युगल का आगमन जामनगर में हुआ। यहां के प्रदर्शनी ग्राउंड में आयोजित एक विशाल सत्संग को संबोधित करते हुए बाबा जी ने कहा, महापुरुषों ने कहा अभिमान अपने आप में ही नीचे दर्जे का है, फिर दौलत के लिहाज से करो या ताकत के लिहाज से करो, विद्या के लिहाज से करो या जाति के लिहाज से करो, या फिर धर्म और मजहब के लिहाज से करो, या फिर अपने चमड़ी के रंग गोरे होने के लिहाज से करो। अभिमान तो अभिमान है, जिसको दर्जा नीचा मिला है, फिर तो किसी लिहाज से भी करोगे तो नीचे ही बनोगे। तो महापुरुष संत जन ये कह रहे हैं कि ऊंचे वही होते हैं जो विनम्र होते हैं। जामनगर से गांधीधाम जाते समय 4 अप्रैल को सदगुरु बाबा जी ने भुज बचाऊ रोड पर स्वयंसेवी संस्था राष्ट्रीय स्वाभिमान द्वारा स्थापित नई दुधई के इंद्रप्रस्थ के आध्यात्मिक परिसर का अवलोकन किया। लगभग 1 दशक पूर्व भुज क्षेत्र में आए विनाशक भूकंप के बाद सतगुरु बाबा जी के आशीर्वाद से मिशन द्वारा अनेक पुनर्निर्माण व आपदा प्रबंधन कार्य किए गए। इसी स्थान इंद्रप्रस्थ में निरंकारी प्रोजेक्ट के अंतर्गत भूकंप पीड़ितों के पुनर्वास के लिए एक छोटी सी संत निरंकारी कॉलोनी बनाई गई है। 4 अप्रैल को गांधीधाम के शक्ति नगर क्रिकेट ग्राउंड में एक विशाल सत्संग में भी एक अद्भुत आध्यात्मिक सम्मेलन आयोजित हुआ। 5 अप्रैल को भक्ति भाव का सिलसिला गुजरात के ही राजकोट शहर पहुंचा। 6 अप्रैल को गांधीनगर के रामकथा मैदान में एक भव्य सत्संग का आयोजन हुआ। 7 अप्रैल को हुजूर बाबा जी की कल्याण यात्रा का कारवां राजस्थान के भीलवाड़ा शहर पहुंचा। यहां स्थित राजीव गांधी ऑडिटोरियम के सामने खेल मैदान में आयोजित एक विशाल सत्संग सम्मेलन में सदगुरु बाबा जी ने भक्तों को भरपूर आशीर्वाद दिए। यहां सदगुरु बाबा जी ने कहा, आत्मा किसकी अंश है? आत्मा अंश है परमात्मा की। तो परमात्मा क्या अमेरिकन है या हिंदुस्तानी है या कैनेडियन है? क्या परमात्मा ब्राह्मण है या वैश्य है या हरिजन है? क्या परमात्मा राजस्थानी है या गुजराती है या सिंधी है? क्या परमात्मा औरत है, मर्द है, काला है या गोरा है? तो जितने जितने भी हमने पहचाने दुनियावी बना रखी हैं, ये आत्मा का असली वजूद है ही नहीं। तो इस प्रकार से ये आत्मा का कल्याण करने के लिए मनुष्य जन्म अहमियत रखता है, और इसीलिए महापुरुष ये कथन करते आ रहे हैं कि इंसानों इस तरफ अपने कदम बढ़ाओ। 8 अप्रैल को गुरुदेव ने रूपाहेली व गुलाबपुरा के भक्तों को दर्शन दिए। इसी लड़ी में सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने
18 से 20 अप्रैल के बीच उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में कृपा बरसाई। इस यात्रा का पहला पड़ाव ऐतिहासिक शहर वाराणसी था। सत्संग समारोह में अनेक वक्ताओं ने अपने भाव भोजपुरी भाषा में व्यक्त किए। अगले दिन 19 अप्रैल को दिव्य जोड़ी ने इलाहाबाद के लिए प्रस्थान किया। राह में वाराणसी जिले के ही गोरई स्थित निरंकारी सत्संग भवन का उद्घाटन किया गया। 19 अप्रैल को इलाहाबाद के संगम तट पर माघ मेला मैदान में एक विशाल सत्संग समारोह हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे मध्य प्रदेश के कई शहरों से भी हजारों भक्तजन सम्मिलित हुए। 20 अप्रैल को लगभग एक दशक के बाद सदगुरुदेव का आगमन यूपी के बांदा शहर में हुआ। 21 अप्रैल को कानपुर के रेलवे ग्राउंड में एक भव्य सत्संग का आयोजन किया गया, जहां मौजूद भक्त समूह को देखकर ऐसा आभास हो रहा था मानो कोई राज्य स्तरीय समागम हो रहा हो। दिस वॉज द रिपोर्ट फॉर वेरियस सेल्वेशन टूर्स। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर सेक्शन समागम। 24 अप्रैल को मानव एकता दिवस पर एक विशाल सत्संग का आयोजन निरंकारी सरोवर के ठीक सामने किया गया। बाबा गुरुबचन सिंह जी के बलिदान को समर्पित इस समागम पर देश विदेश से पधारे अनेक श्रद्धालु भक्तों ने भाग लिया। बाबा गुरुबचन सिंह जी के साथ साथ चाचा प्रताप सिंह जी व मिशन के अन्य कई शहीदों के तप त्याग को भी याद किया गया। इस अवसर पर अपने आशीर्वाद देते हुए सतगुरु देव ने कहा, ये बाबा गुरुबचन सिंह जी के जीवन को समर्पित हो रहे हैं और उन्होंने जिस जिस बात से हमें रोका, हम उस प्रकार से उससे अपने आप को, अपने कदमों को रोकें और जिस तरफ बढ़ने के लिए कहा हम उस तरफ बढ़ते चले जाएं, हम अपनी संकीर्णताओं को छोड़ें। Coming up next is the news of the efforts and initiatives being taken by the international branches of the Sant Nirankari Mission in the section Mission Overseas. The UK Sevadal branch of the mission participated and assisted the British Polio Fellowship program in Birmingham. Meanwhile, the Australian branch of SNM organized a national level samagam on human values on the 19th and 20th April 2014. In Sant Nirankari Congregation Hall at Sydney in Australia. Devotees from Melbourne, Adelaide, Brisbane, Perth and Canberra also participated in the thought-provoking and inspirational Holy Assembly, where the use of multimedia aided the understanding of various spiritual aspects. We often have a misconception of what true harmony is, and we tend to think that harmony is a destination. We try to get to that destination, however we forget harmony is a voyage. We all have the same skeleton, we all human beings, we all bleed the same. The poem that was read out here, which was talking about a battle between love and hate. Now our motto is love for all, hatred for none. The same thing you are giving as a gift to the people. We are all humans. We have natural inbuilt failures, and therefore we must practice on improving our human values and never give up, even though we have occasional setbacks. Imagine all the people living for today. If ever there is a thought of negativity in your mind, any thought of jealousy in your mind, any thought of bringing others down in your mind, any thought where you criticizing others, you are away from Nirankar, you are away from the God. A youth session on stress and anger management was organized by the US branch of the mission in Houston, Texas on the 16th of April 2014. Various aspects and reasons of stress were discussed. With a viewpoint to find solutions to manage ego and stress through spirituality and positive thinking, the meeting was attended by almost 60 high school and college students.
all had different people who told us how to deal with stress, and there was also there was different people, not just one person who started the whole team about it. Yeah. Because everybody deals differently. Yeah, basically seeing how younger kids, younger youth deal with stress and everything, how they how my life was when I was that young, a little bit different. So I mean, I can pretty much play Zodiac and everything, how I feel. But I mean, I enjoyed myself over there, and I enjoyed meeting the people. And I want to thank y'all for having me. A friendly indoor cricket match was organized in Dubai in the United Arab Emirates by the volunteers of the mission, with the underlying theme and message of oneness on 30th April 2014. आगे बढ़ने से पहले आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ठीक यार, there's nothing new on the TV। वही बिल्ली तुम्हें क्यों पीछे भाग रही है? तो मेरी डॉल्स के साथ खेल लो। Hey Hardik, what's so amusing on the net? Hey, मैं kids.nirankari.org पर stories पढ़ रहा हूँ। kids.nirankari.org वो क्या है? बताओ, इन्हें kids.nirankari.org के बारे में ही नहीं पता। अरे kids.nirankari.org पर बाबूजी ने हमें बहुत सारे gifts दिए हैं। जैसे? Poetries, stories, quiz, games और बाबूजी ने blessings भी दी हैं। मतलब कि हम बच्चों के लिए स्पिरिचुअल ड्रीमलैंड। ये वेलकम बैक व्यूअर्स, आफ्टर द इंटरनेशनल न्यूज लेट्स मूव ऑन टू आवर सेक्शन द एसएनसीएफ डायरी। 15 अप्रैल को संत निरंकारी पब्लिक स्कूल निरंकारी कॉलोनी में निरंकारी वोकेशनल सेंटर का शुभारंभ सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के कर कमलों द्वारा किया गया। यहां NIIT के सहयोग से कंप्यूटर के विभिन्न बेसिक व रोजगार संबंधित कोर्स शुरू किए गए हैं। फाउंडेशन द्वारा शुरू किए गए ये कोर्स लगभग निःशुल्क हैं, जिससे अनेक मेधावी व योग्य छात्र अपने भविष्य को एक सार्थक और मजबूत शुरुआत देने में समर्थ हो पाएंगे। आइए जानते हैं इन छात्रों का इस कोर्स के बारे में क्या कहना है। मुझे आगे इंजीनियरिंग साइट में जाना है, सो मेरे को लगता है कि ये बेटर होगा अगर मैं इसकी पहले नॉलेज ले लूं, जो बेसिक्स चीज़ें होती हैं। कॉमन हो गया कंप्यूटर, तो आजकल हमें भी आना चाहिए। हम लोग ये सोचते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए आगे, ताकि हम अपने बच्चों को और अच्छी तरह गाइड कर पाएँ कि उन्हें फ्यूचर में क्या करना है। हम लोग 12th के बाद बहुत कंफ्यूज थे कि हम किस चीज़ को करें, कैसे करें, बट ये हमने इंस्टीट्यूट ने हमें ये जो प्रोवाइड किया है बहुत अच्छा किया है, जो हम इस चीज़ को कर सकते हैं और फ्यूचर के लिए भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। इस अवसर पर गुरुदेव ने अपने संबोधन में फरमाया, एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के रूप में इस स्कूल को चुना गया, जहाँ से ये सिलसिला आरम्भ हो रहा है, जो ये चैरिटेबल फाउंडेशन के साथ जो एसोसिएशन NIIT की और अन्य ऐसे ऑर्गेनाइजेशन और संस्थाओं की जो हुई है, इसमें वेरियस कोर्सेज जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और यही एक शुभकामना की जाती है कि इससे स्टूडेंट्स या कोई भी यहाँ से इसके द्वारा लाभ लेना चाहता है वो सफलताओं को प्राप्त हो। 24 अप्रैल को मानव एकता दिवस के अवसर पर देश व विदेश के कई शहरों में बाबा गुरुबचन सिंह जी की स्मृति को समर्पित रक्तदान शिविर लगाए गए, जहां हजारों की संख्या में निरंकारी भक्तों ने रक्तदान किया। दिल्ली में आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप में सदगुरु बाबा जी ने अपने आशीर्वाद देते हुए फरमाया कि रक्तदान सबसे महान और महत्वपूर्ण सेवा है, जो मानवता के प्रति सबसे बड़ा योगदान है। रक्तदाताओं में बहुत सारे यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक हुजूम सा लगा है किसी प्रकार से रक्तदान करने का और गुरु के शब्द का पालन करने का।
रक्तदाताओं की भारी संख्या में ज्योति जी हमारे साथ हैं। आइए इनसे इनकी राय जानते हैं। ज्योति जी, आप रक्तदान क्यों कर रही हैं? रक्तदान मैं इसलिए कर रही हूँ, तो मेरे दिल से खुशी के कारण अपनी, और बाबा जी का संदेश है कि हमारा रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए। शायद मेरे इस रक्तदान से किसी की जान भी बच सकती है। ब्लड डोनेट करते हुए बहुत ही मतलब एक प्राउड सा महसूस हो रहा है। मैं फिफ्थ टाइम दे रही हूँ ये रक्तदान, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब देना, हर साल देना, और इससे कभी वीकनेस फील नहीं होती। ऐसा लगता है हमें और एनर्जी मिल रही है ये सब देने के लिए। हमारा यही कोशिश रहती है हर साल कि हम हर साल दें और इस समाज सेवा का हिस्सेदार हम बन सके। So viewers, we have Dr. Komal from AIIMS here contributing in the way of taking blood from many donors here. Let us ask her about her views. Dr. Komal, how are you feeling? You're here for the first time. How are you feeling? And what do you see is so peculiar and unique about the donors here? Actually, I work in a blood bank at AIIMS, so daily I have been visiting so many people around. What is peculiar right here is that after end of this first session, what I feel is very peaceful. हम सालों साल कैंप जाते हैं, साल में 365 दिन होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अच्छा कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप हमारा ये संत निरंकारी मंडल का होता है। उसमें अच्छे डोनर आते हैं, बढ़ चढ़ के आते हैं, कई लोग ब्लड देते हैं, और उससे एक प्रेरणा मिलती है लोगों को कि भाई रक्तदान करें, लोगों का जीवन बचाएं। मैं पिछले 15-20 सालों से इस संस्था से काफ़ी जुड़ा हुआ हूं ब्लड डोनेशन के लिए। हमारी हॉस्पिटल हर साल यहां आती है, और एक ये बहुत ही अच्छा संदेश जाता है लोगों में एक मानवता की सेवा के लिए, क्योंकि ब्लड की ज़रूरत सभी लोगों को है, और इसमें कोई जाति या कोई ऐसा कोई भेदभाव की ज़रूरत नहीं है। सभी लोगों का ब्लड खून एक ही तरह का होता है, और इसकी ज़रूरत सभी को है। तो ये संत निरंकारी मिशन एक बहुत अच्छा काम कर रही है। इससे पूर्व संत निरंकारी मिशन के सेवा दल के सदस्यों द्वारा मोटर वाहनों पर एक रैली निकाली गई, जिसका उद्देश्य था नागरिकों में रक्तदान के प्रति जागरूकता लाना। मिशन द्वारा मुंबई महाराष्ट्र के कुर्ला व दहिसर क्षेत्रों में मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप्स लगाए गए, जहाँ लगभग 600 व्यक्तियों ने अपने आँख, दांत व हृदय की मुफ्त जांच करवाई। एसएनसीएफ डायरी के बाद अब चलिए देखें कुछ अन्य समाचार। मानव एकता समागम के उपलक्ष्य में इस वर्ष भारत की सभी ब्रांचों में निबंध लेखन प्रतियोगिता करवाई गई। इस प्रतियोगिता में बाबा गुरबचन सिंह जी के जीवन पर आधारित विषयों पर दो आयु वर्गों के बच्चों ने भाग लिया। द चिल्ड्रन रोट द एसेज ऑन डिफरेंट टॉपिक्स रिलेटिंग टू द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ बाबा गुरबचन सिंह जी। अप्रैल महीने में निरंकारी मिशन के द्वारा अनेक ट्रेनिंग कैंप्स भी आयोजित किए गए, जहां मिशन के संदेश को सद्गुरु के आदेश अनुसार जन जन तक प्रभावशाली ढंग से पहुंचाने के तरीकों पर ध्यान दिलाया गया। दिल्ली और आसपास के कई इलाकों में सद्गुरु बाबा जी, पूज्य माता जी एवं निरंकारी राजमाता जी की हजूरी में अनेक सत्संग कार्यक्रम आयोजित हुए। दोस्तों, आपको ये जानकर हर्ष होगा कि ममता मई राजमाता जी के विचारों की एक MP3 CD मधुर वचन का विमोचन सदगुरु के कर कमलों द्वारा किया गया। हम आपका ध्यान दिलाना चाहेंगे मिशन के प्रचार के एक ऐसे स्वरूप का जो पिछले लगभग 5 दशकों से निरंतर योगदान दे रहा है। दिल्ली और आसपास की कई स्थानों पर दोपहर को दफ्तरों में सत्संग होते हैं, जहां मिशन की विचारधारा और संदेश को एक अनोखे ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। कोर्ट्स, हॉस्पिटल्स, जेल्स, मार्केट्स एवं अन्य कई स्थानों पर होने वाले इन ऑफिस सत्संग कार्यक्रमों का समाज के कई सामान्य सज्जन अनुमोदन करते हैं। निरंकारी जगत की सूचनाओं और समाचारों का अगला अंक लेकर हम फिर से हाजिर होंगे जून की 10 तारीख को। तब तक इजाजत दीजिए तरुणा को। नमस्कार, धन निरंकार।